बिहार में 7 पार्टियों से बनी महागठबंधन की सरकार से अब जीतन राम मांझी अलग हो चुके हैं। 14 जून को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन उर्फ संतोष मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। महागठबंधन से अलग होने के बाद आज पहली बार पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पार्टी की ओर से अहम निर्णय लिए गए। खबर है कि जीतन राम मांझी और संतोष सुमन आज दिल्ली जाएंगे, जहां अमित शाह और नड्डा से इनकी मुलाकात होगी। हमारे संवाददाता ने संतोष सुमन से जब इस बारे में बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। जी अभी वो डिसाइड नहीं है कि अमित शाह जी से मिलेंगे, लेकिन राज्यपाल महोदय से समय मांगे हैं। संभवतः लगता है आज 5 बजे का 5:30 बजे का समय मिला है, वो भी थोड़ी देर में हम लोग क्लियर कर देते हैं। बैठक में कुछ बड़ा फैसला भी होगा? बैठक में अब क्या फैसला होगा, वो हर मुद्दे पर बात होगी, हर पहलू पर बात होगी, गठबंधन पर बात होगी, अकेले लड़ने में बात होगी, कितने सीट लड़ेंगे इस पर बातें होंगी और सब बातें आपको विस्तार पूर्वक बता दें। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। संतोष सुमन तो फिलहाल बता रहे हैं कि कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि संतोष सुमन और जीतन राम मांझी का सोमवार शाम का दिल्ली वाला प्लान लगभग पक्का है। और अगर दिल्ली में शाह और नड्डा से वक्त मिला तो मांझी पिता पुत्र शाह और नड्डा से लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और मिशन 2024 को लेकर डील पक्की करने की कोशिश करेंगे। पटना से हमारे संवाददाता अनिकेत कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे।